ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब बात करेंगे उन्नत झारखंड की। झारखंड की रघुवर सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। किसानों को वैज्ञानिक तकनीक से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देवघर के कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी में किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार का मकसद किसानों की आमदनी बढ़ाना और उनके नुकसान को कम करना है। धार्मिक पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर देवघर खेती के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और पठारी बनावट की वजह से मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक वैल्यू कम होती है और इसी वजह से किसान जब खेती करते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन रघुवर सरकार की कोशिशों के बाद अब किसान उन्नत तकनीक से खेती करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र में हाईटेक सॉइल टेस्टिंग यूनिट बनाया गया है जहां किसान अपने खेतों की मिट्टी लाकर जांच करा रहे हैं। यहां किसानों को उचित सलाह मिल रही है, साथ ही उर्वरा शक्ति बढ़ाने के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। सुजानी केवीके में किसानों को उन फसलों के बारे में भी बताया जा रहा है जिसके लगाने से किसानों को ज्यादा मुनाफा हो सकेगा। हम लोग का जो सॉइल टेस्टिंग वाला काम अभी चल रहा है, जब से हम लोग का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं तब से ये बृहत रूप से उनका जो लक्ष्य है 2022 तक सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने के लिए, इसलिए उनको ये पता चल जाएगा उनका जमीन में क्या क्या पोषक तत्व तो उपलब्ध है, इसका बारे में उनको डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। तभी तो आने वाले दिन में वो उस मुताबिक खाद, जैविक खाद, जो भी खाद है उसका इस्तेमाल अपने जमीन पर कर सकते हैं। किसान भी अब मानने लगे हैं कि बेहतर खेती के लिए मिट्टी की जाँच सबसे जरूरी है। मिट्टी की जांच से फसल खराब होने के संकट से बचा जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र में कीटनाशक और जैविक खेती के बारे में भी पूरी जानकारी मिल रही है। मिट्टी जांच कराने से होता है क्या, पता चल जाता है कि जो उसमें क्या चाहिए नहीं चाहिए, कौन सा फसल लगाना चाहिए, उससे जानकारी हो जाता है। और किसान को जो है मिट्टी का जाँच अवश्य कराना चाहिए क्योंकि उसमें कौन फसल कौन सीजन में लगेगा इसका जानकारी हो जाता है। देवघर में किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर की जा रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री लगातार इस बात की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र बेहतर काम कर रहा है या नहीं, साथ ही सुविधाओं में कोई कमी ना हो इसके लिए सरकार ने देवघर ब्लॉक को 2 यूनिट सॉइल टेस्टिंग किट भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।